हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं LPV9 एक ब्लूटूथ स्पीकर का। तो इसके अंदर आपको माइक्रो USB चार्जिंग मिलता है और यहाँ पे USB लगाने के लिए पोर्ट है जो कि कार्ड रीडर वगैरह से चलेगा। उसके साथ TF कार्ड भी है, मतलब डायरेक्ट आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो। तो इसका अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो 3 से लेकर 5 घंटे तक चल सकता है। आउटपुट पावर 8 वाट करके 16 वाट का आउटपुट है और यहाँ पे USB बिल्ट इन लिथियम बैटरी है इसका और फ्रिक्वेंसी 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज़ जो कि नॉर्मल है। तो इसका प्राइस अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन हाँ ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से इसका साउंड जो है वो अच्छा है। लेकिन आपको वैसे तो बड़ा बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएगा जिसका आपको प्राइस में कम आएगा, लेकिन उसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, मैंने इसको पहले देखा है, उसके बाद ही मैंने खरीदा है। वैसे यहाँ पे एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये आपको इंडियन मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसको रिव्यू करके क्या फायदा। तो एक्चुअल में मैं आप लोगों को कुछ और चीज समझाना चाहते हूँ, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में जो भी ब्रांड है आपको इस प्राइस के रेंज पर, ये 600 रुपया पड़ा है, इस प्राइस के रेंज पर आपको इसके जैसा साउंड तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको गारंटी है। अगर आपको इससे बेहतर साउंड मिले तो मैं इसका अगर कंपेयर करूं, अब अगर बोट का एक स्पीकर मैंने देखा था, मेरे पास रिपेयर के लिए आया था, बोट का इस मॉडल का जो साउंड क्वालिटी है और इसका साउंड क्वालिटी एकदम सेम है। अगर प्राइस की बात करें तो लगभग 1800 रुपये के अंदर और ये सिर्फ 600 रुपया, इंडियन रुपीस 600 रुपया, तो साउंड क्वालिटी एकदम दोनों का सेम है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप शायद उतना ना मिले, लेकिन आप बैटरी बैकअप के लिए मैं तो यहाँ पे लिथियम बैटरी लगा लूंगा। इसके अंदर मैं आसानी से कोई भी लिथियम बैटरी वगैरह लगा सकता हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर जो भी लिथियम बैटरी है नॉर्मली 1800-650 होता है, तो उसका अगर हम 100 रुपये में एक लिथियम बैटरी खरीदे तो आसानी से हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, जो भी हम लो प्राइस पर किनते हैं तो उसका साउंड क्वालिटी उतना बेहतर नहीं होता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये भी मेड इन चाइना है, लेकिन हर चाइना चीज अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो चाइना तो बहुत कुछ बनाता है, सोनी से लेकर JBL सब कुछ चाइना बनाता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो अलग होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में जो आती है उसका क्वालिटी प्रोडक्ट अलग होता है, क्योंकि इंडिया में आपको जो भी बेचना है बहुत ज्यादा टैक्स पेयर करके बेचना होता है। मतलब इसका अगर 600 रुपया प्राइस है चाइना के अंदर, तो उसका ऊपर आपको लगभग 28% टैक्स देना होता है, उसके बाद जाके आपको इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हो, उसके बाद आप उसको सेल करोगे, उसके ऊपर भी GST पड़ेगा, तो काफी ज्यादा हाई प्राइस हो जाता है। इसीलिए आपको जो भी बाहर का जो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो आपको इंडिया के अंदर सस्ता नहीं मिलता है, काफी ज्यादा ओवर प्राइस होता है। तो वही चीज, ये तो जो भी ब्रांड है आपको ये यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर जो भी उबन वगैरह मिलता है उसका जो मैन्युफैक्चर है वो तो इंडिया से आता है, यहाँ पे सिर्फ असेंबली होता है। तो इसलिए एज कम्पेयर टू अदर्स कंट्री से लेकर जो भी नेपाल का है जितना कॉस्ट पड़ता है उससे काफी ज्यादा इंडिया के अंदर पड़ता है, तो इसलिए प्राइस का इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो चलिए, बहुत कुछ मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसका प्राइस के हिसाब से इसका जो साउंड है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बॉक्स खोलने पर यहाँ पे 3.5mm जैक मिलता है दोनों स्टीरियो टाइप, और इसके साथ USB 2 माइक्रो USB वायर मिलता है, USB केबल शायद होगा, USB सपोर्ट करे या ना करे, सिर्फ चार्जिंग के लिए शायद दिया हुआ है, तो ये वो चीज़ है। तो इसका साउंड क्वालिटी आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसका साउंड क्वालिटी पहले सुन चुका हूँ। तो ये रही पूरा दिखने में, तो यहाँ पे मैं कैसा कुछ ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल वगैरह अगर हम मूवीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा के हम आसानी से
सुन सकते हैं। और दोनों साइड पर स्पीकर है 8 वाट करके 16 वाट टोटल। तो ये इसका ओवरऑल लुक है, ठीक है। और पीछे यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और यूएसबी पोर्ट है बिग, और टीएफ कार्ड भी है, और यहाँ पे ऑफ्स लाइन है, मतलब हम इसको मोबाइल पे वायर के मदद से भी चला सकते हैं, जो कि इस वायर मदद से होगा। और यहाँ पे मोड स्विच है, माइनस प्लस और प्ले पॉज। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन किया, यहाँ पे ब्लू एलईडी ब्लिंक होने लगा। तो एज ए ऑन करते ही यहाँ पे ब्लूटूथ नोट पर चला जाता है। तो मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, वैसे इसके साथ मैंने पहले से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका आप लोगों को दिखा देते हैं, नाम क्या आता है, V9 करके है। आपको अगर मिले तो नीचे जरूर बताना, और इसका साउंड क्वालिटी इस प्राइस पर आपको ऐसा कुछ मिले तो जरूर नीचे बताना, ठीक है, कमेंट पर जरूर बताना। तो चलिए कुछ सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं। तो आपका इसका पावर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका वॉल्यूम आप, तो अभी मोबाइल पर साउंड देना बाकी है, तो मोबाइल का साउंड इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे 15 है, तो मैं इसको आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर चला के क्यों साउंड इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इसका कारण है कि इसका जो वॉल्यूम किया है खराब हो चुका है, तो इसीलिए ऐसा करके वॉल्यूम आप करना पड़ता है। तो चलिए अभी यहाँ पे भी मैं अगर प्ले करेंगे तो फुल साउंड पर प्ले होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाइब्रेशन के इसका जो साउंड है उसके वजह से आप देखेंगे ये मूव हो रहा है, तो आप नोटिस। चलिए मैं हमारा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। इसका बेस काफी अच्छा है और एक काफी ज्यादा वाइब्रेट करता है। यहाँ पे पीछे यहाँ पे एयर निकलने के लिए एक उफर लगा हुआ है जो कि वाइब्रेट करता है, उफर का पेपर टाइप लगा हुआ है। तो इसको अगर आप कोई भी वुडन चीज के ऊपर रखेंगे तो आपको ज्यादा साउंड जो है वो क्लैरिफाई होके मिलेगा। और जो इसका साउंड है वुडन पर, पहले वो वुडन को वाइब्रेट करेगा, उसके मदद से आपको साउंड में काफी अच्छा बेस मिलेगा। तो ये भी वुड का है, तो इसलिए आपको साउंड यहाँ पे माइक पर कैसा मिल रहा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एज ए इसका साउंड काफी बढ़िया है। और जो मैंने बताया इस मॉडल का बोट का, इसका प्राइस आप देख सकते हो 1800 रुपये है, तो उस हिसाब से 600 रुपये में आपको मिल रहा है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है।
हाँ यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इसका बैकअप उतना नहीं है, लेकिन बैकअप के लिए मैं 100 रुपया खर्च करूंगा तो आसानी से उस बैकअप में पा सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर भी आपको क्लास डी मिलता है, तो यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि बोट या फिर JBL वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो इंडियन में मैन्युफैक्चर भी शायद नहीं करता, तो इसलिए प्राइस का इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो जो भी हो इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है और मैं तो इससे बेहतर कभी भी इंडिया के अंदर नहीं मिला है अभी तक। तो आपका अगर मिला है जैसा आपने यहाँ पे साउंड सुना ऐसा अगर मिलता है तो नीचे कमेंट पर जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, और क्या इसके रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी चाहेंगे तो आपको, क्योंकि मैं इस पर हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये नेपाल से मैंने मंगाया और आपके लिए शायद मैं नहीं मंगा पाऊंगा, क्योंकि एक या दो आप ला सकते हो, अगर 3-4-5-6 अगर लाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ता है, वहां पे भी चेकअप होता है, तो एक दो आप खुद का बोल के आप ले सकते हो या फिर आप पहले खरीदा था ऐसा बोल के आप आन सकते हो, आप बॉर्डर पार होके यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन अगर 10-15 अगर आप या फिर 2-3-4 अगर ले आना चाहो तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो आपका अगर आसपास में कोई है कि बाहर नेपाल में ऐसा नहीं है, आप बाहर से भी कोई भी से अगर मंगाओगे तो आपको सस्ता पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प हुआ होगा। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, बाय।